हेलो किड्स एंड वेलकम टू टूडे सेशन हैव यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल चिल्ड्रन द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज क्लोथ्स वी वेयर हम सबको पता है क्लोथ्स जो हैं वो हमारी बेसिक नीड है हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते है. हैं क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्राम सन विंड कोल्ड हीट इन सबसे इंसेक्ट्स हो गए इन सबसे प्रोटेक्ट करते हैं हम डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स वेयर करते हैं हम डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट क्लोथ्स वेयर करते हैं क्लोथ्स हमारी बेसिक नीड है और हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि क्लोथ्स हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं सो वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड फ्रेश क्लोथ्स अब जो डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं कई क्लोथ्स का मटेरियल कॉटन होता है वूल होता है लेदर होता है सिल्क होता है देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स फिर उसको क्लीन किया जाता है और उसको थिन थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है लेटर ऑन उसको वीव किया जाता है और फिर क्या होता है फिर डिफरेंट क्लोथ्स बनाए जाते हैं कॉटन के जिनको हम कब पहनते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है इन समर्स जो है हमें डिफरेंट एनिमल से मिलती है जैसे शीप हो गया कैमल हो गया रैबिट हो गया इन सबसे हमें वूल मिलता है जिससे डिफरेंट वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं और हम उनको वियर करते हैं नेक्स्ट अगर बात करें हम सिल्क की देन हमें सिल्क जो है सिल्क वॉम से मिलती है हम सिल्क के कपड़े विंटर्स में पहनते हैं बिकॉज वो हमें क्या करते हैं हमें गर्म रखते हैं सो दीज आर द सिल्क क्लोथ्स जो सिल्क वॉम से हमें मिलते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेफर करते हैं जो लाइक करते हैं एनिमल स्किन और फर को विंटर्स में टू गेट प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्राम विंट एंड कोल्ड बहुत सारे लोग लेदर की चीजें भी यूज करते हैं लेदर कपड़े पहनते हैं जो हमें कहाँ से मिलता है फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स जैसे कि बफेलोज हो गया रैपिड्स हो गए क्रोकोटाइल्स हो गए स्नेक्स हो गए इन सब की स्किन से लेदर मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसके कपड़े बहुत सारे लोग पहनना प्रेफर करते हैं जब रेनी सीजन आता है रेन्स होती हैं तो हमें क्या चाहिए होता है वी वॉन्ट गम बूट्स रेन कोट अम्ब्रेलाज ये सारी चीजें किससे बनती हैं रबर एंड प्लास्टिक से बनती हैं और हमें रबर कहाँ से मिलता है वी गेट इट फ्रॉम द रबर ट्री नाउ नेक्स्ट इज द क्लोथ्स दैट इज वन बाय द पीपल हु आर डूइंग स्पेशल जॉब्स दोज क्लोथ आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स जैसे कि जब आप हॉस्पिटल जाते हो आप बाय द यूनिफॉर्म समझ जाते हो ना कि शी इज अर्स so she wears a uniform जिससे हम identify कर पाते हैं कि yes she is a nurse next policeman को आपने देखा होगा they wear a brown uniform जिससे हम quickly identify कर पाते हैं yes he is a policeman who protects us from the intruders next is the chef जब भी आप होटल्स जाते हो कैफेज जाते हो आप क्या देखते हो जो शेफ्स होते हैं जो हमारे लिए खाना बनाते हैं वो बहुत पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में होते हैं जिससे हम क्विकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ही इज अ शेफ और शी इज अ शेफ सिमिलरली देर इज अ स्पेशल यूनिफॉर्म फॉर अ फायरमैन फायरमैन क्या करता है जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो क्या होता है फायरमैन उस आग को बुझाते हैं सो दे वेयर अ स्पेशल यूनिफॉर्म जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि यस, अ फायरमैन और वो क्लोज जो होते हैं वो स्पेशल भी होते हैं क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फायर सिमिलरली एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट की एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है आपने देखा होगा उनकी यूनिफॉर्म जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं यस ही इज अस्ट्रोनॉट नाउ ये तो हो गया जो लोग स्पेशल जॉब्स करते हैं उनकी स्पेशल क्लोथ्स जो जिनको हम यूनिफॉर्म कहते हैं नेक्स्ट इज द आपने देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज के उनकी ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जो कि फेमस हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे कि चाइना की ट्रेडिशनल क्लोथ्स का नाम है जो उनकी क्लोथिंग है उनका नाम है चियोंगसम सिमिलरली रशिया की ट्रेडिशनल क्लोथ्स का नाम है सेरोफिन स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें देन ट्रेडिशनल क्लोथ्स को उनको कहा जाता है किल अगर हम जापान की बात करें उनकी ट्रेडिशनल क्लोथ्स को कहा जाता है कि मोनोज। अगर हम बात करें कोरिया की देन इट इज कॉल्ड हानबो सऊदी अरेबिया की ट्रेडिशनल क्लोथिंग की बात करें तो उसको कहा जाता है जलाबिया एंड फोर सो दीस आर द ट्रेडिशनल क्लोथ्स एंड देयर नेम्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज दैट वी हैव इन द वर्ल्ड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स अब हम क्लोथ्स वेयर कर लेते हैं बट डू यू नो देर आर सो मैनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं वो ग्रो करते हैं कॉटन और जूट प्लांट्स को जिससे हमें कॉटन मिलता है उसके बाद जूट मिलता है कॉटन ऐसा नहीं है कि कॉटन सिर्फ हमने जो उन्होंने ग्रो किया वो वेयर कर ले देर आर सो मैनी पीपल जो हेल्प करते हैं टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम दैट कॉटन ग्रोन बाय द फार्मर्स अब जो एक शेपर्ट होता है वो क्या करता है ही रियर्स वूल फ्रॉम शीप और जिससे फिर क्या होता है डिफरेंट क्लोथ्स बनाए जाते हैं ऑफ़ क्लोथ्स उसके बाद जब कर देता है वीवर, उसके बाद क्या करते हैं जब हमें ऑल्ट्रेशन कराना होता है हमें स्टिच कराना होता है फैब्रिक तो हम किसके पास जाते हैं ये वी गो टू द टेलर फॉर स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक जिससे क्लोथ बनते हैं जो कि हमारे साइज के होते हैं जिसमें हम कंफर्टेबली फिट हो पाते हैं

आयन करना चाहिए अपने क्लोथ्स को हमें कभी भी क्रम्पल्ड कपड़े नहीं पहनने चाहिए वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दीज ऑल थिंग्स रिफ्लेक्ट आर पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज अ पर्सन आई होप यू ऑल अंडरस्टेंड दिस चैप्टर वेल दिस इज द एंड थैंक यू